दिल्ली वालों को उनका मेयर मिल गया है, लेकिन अभी भी स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति के चुनाव को लेकर जोरदार हंगामा होता नजर आ रहा है। जी हां, दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के बाद स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति के चुनाव में जबरदस्त हंगामा हुआ। आप और बीजेपी पार्षदों ने एक दूसरे पर बोतलें फेंकी, यहां तक कि दोनों पार्टी के नेताओं के बीच हाथापाई और मारपीट हुई। एमसीडी हाउस में भारी हंगामे के कारण स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है। सदन में आज रात भर भारी शोर शराबा होता रहा। बता दें कि सदन की कार्यवाही चौथी बार एक घंटे के लिए स्थगित की गई है। वही हंगामे के दौरान आप और भाजपा के पार्षदों को एक दूसरे पर पानी की बोतलें और सामान फेंकते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके कारण कई बार हंगामा हुआ है। वही आप बीजेपी के महिला पार्षदों के बीच भी हाथापाई और मारपीट भी हुई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वही एमसीडी सत्र के दौरान हंगामे के मद्देनजर अतिरिक्त डीसीपी शशांक जायसवाल ने सिविक सेंटर का निरीक्षण किया। वही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात है। वही बता दें कि दिल्ली मेयर शैली ओब्रायन ने कहा है कि भाजपा के पार्षदों ने मुझ पर हमले की कोशिश की है, ये भाजपा की गुंडागर्दी की इंतहा है। उन्होंने एक महिला मेयर पर हमले की कोशिश की। वही सदन में बुधवार देर रात तक हंगामा चलता रहा। दोनों पक्षों के पार्षद सदन में ही सो गए, इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं गुरुवार को सुबह नाश्ते के बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन हंगामे के चलते कार्रवाई को फिर एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं बुधवार दोपहर से गुरुवार सुबह तक सदन की कार्रवाई 6 बार स्थगित की गई। मैं बता दें कि दिल्ली महापौर शैली ने कहा कि एमसीडी के सिविक सेंटर में बुधवार से लेकर गुरुवार तक सदन में जितना नुकसान हुआ है, उसका खर्चा वीडियो फुटेज देखकर वसूला जाएगा। जिसने जितना नुकसान किया है, उसी से वसूला जाएगा। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान कुछ मेंबर्स मोबाइल ले आए, उस पे भाजपा के मेंबर्स ने आपत्ति जाहिर की। हंगामा इसी को लेकर शुरू हुआ। मेयर शैली ओब्रायन अपनी कुर्सी पर थी और भाजपा के सदस्य वहां पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने बैलेट बॉक्स पलट दिया। इसके बाद आप और बीजेपी दोनों के मेंबर्स के बीच मारपीट शुरू हो गई। सदन में हर ओर सदस्य एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। वहीं महिलाओं ने भी एक दूसरे पर हमला किया। इसके बाद नारेबाजी भी शुरू हो गई। यह हंगामा देर रात तक चलता रहा। वहीं हंगामे के बाद कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा, लेकिन दोनों दल चुनाव कराने पर अड़े रहे। ऐसे में दोनों दलों के पार्षदों ने पूरी रात सदन में ही गुजारी है। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन फिर हंगामे के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। रात से अभी तक 6 बार से ज्यादा सदन स्थगित की जा चुकी है। वहीं जो तमाम तस्वीरें और वीडियोज आई हैं, वो काफी वायरल हो रही है। इसके आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जल्द ही।